कितने रुपए है भैया टिकट? एक का दीजिएगा, तीन थे, तीन थी दीजिए। फोन पे होता है क्या? नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर आपट और फिर आ गया हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ बहुत दिनों बाद। तो आज हम लोग आए हैं धमतरी ग्रीन एडवेंचर रिजॉर्ट। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्क है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है देख सकते हैं। और यहाँ हम लोग रायपुर से आए हुए हैं धमतरी, और दिखाते हैं यहाँ का कुछ सीन और क्या क्या होता है आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। ये दोस्तों यहाँ का एंट्री गेट, ग्रीन एडवेंचर रिजॉर्ट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्क। ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा। यहाँ बौद्ध बौद्ध ही है, हाँ बौद्ध ही शायद। काफ़ी अच्छा अच्छा नज़ारा है दोस्तों यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं मेरे पीछे एक बौद्ध का मूर्ति है, और आगे साइड हम लोग जा रहे हैं। अभी कुछ आइडिया नहीं है यहाँ हम लोग को क्या क्या है क्या नहीं है, तो जो भी देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। और मुझे घूमना पसंद है, और हाफ मेरे दोस्त हो, मुझे दोस्तों के साथ घूमना ज़्यादा पसंद है। यहाँ का पार्किंग काफ़ी बड़ा पार्क है। अब ऐसे है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्क है तो अब बड़ा ही होगा। देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छा ट्रेन है, छोटा ट्रेन। यहाँ का ये टिकट काउंटर, देखते हैं कितने रुपए का टिकट है। ये देख सकते हैं यहाँ क्या क्या है, झूला, वाटरफॉल, गजीबो, सेल्फी पॉइंट, गेम, लक्ष्मण झूला, ओपन एयर थिएटर, गार्डन, बहुत सारे देखने लायक यहाँ जगह है दोस्तों। कितने रुपए है भैया टिकट? एक का दीजिएगा, तीन थे, तीन थी दीजिए। फोन पे होता है क्या? नहीं। तो दोस्तों यहाँ 20 रुपए पर व्यक्ति का टिकट है, और इसके बाद अंदर घूमेंगे। घवंडी लस्सी भी मिलती है यहाँ, यहाँ लिखाया है देख सकते हैं घवंडी लस्सी। आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं आगे से दिखाता हूँ। घमंडी लस्सी भैया, घमंडी लस्सी। ठीक है बाबू, लगा रहा हूँ। फूल पौधे तोड़ना सख्त मना है दोस्तों, नहीं तो 500 रुपये का जुर्माना। काफ़ी अच्छा नज़ारा है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखते हैं आगे और क्या क्या दिखता है। देख सकते हैं दोस्तों पीछे काफी अच्छा नजारा है, दृश्य देखने लायक का है दोस्तों। अगर आप आसपास के हैं या यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा एक बार, काफ़ी अच्छा जगह है। घूम के दिल गार्डन गार्डन सुविधा के अंदर जगह जगह साउंड सिस्टम लगा हुआ है, चुंगा यहाँ छत्तीसगढ़ी गाना चल रहा है। छोटा ब्रिज दोस्तों, वाटरफॉल वाटरफॉल है, लास्ट है ना, पता ही नहीं चलता है लास्ट क्या है दोस्तों। देख सकते हैं लास्ट इधर का है, मतलब फर्स्ट टाइम है, अभी तो बहुत घूमे नहीं है, आधा बहुत बचा है घूमना बहुत।
ये एक छोर है, एक छोर खत्म किए हैं घूम के, और काफी बड़ा पार्क है। वास्तव में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्क है। मैं तो आज तक इतना बड़ा पार्क देखा नहीं हूँ, तो आप लोग को भी दिखाता हूँ मेरे साथ साथ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ छोटा सा गार्डन टाइप से है, और अंदर में ये बच्चे लोग का काफी अच्छा है। और साधन महिला पुरुष बहुत अच्छा है। देख सकते हैं दोस्तों, 14 गेट जाने का रास्ता। कौन है यार, 14 नंबर गेट नहीं देखा तो क्या देखा? यही थका किधर है दोस्तों, काफी अच्छा है। 14 नंबर गेट जा रहे हैं अभी। 14 नंबर गेट नहीं देखा। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रात का हुआ था दिक्कत। ये देखिए दोस्तों, ये 14 नंबर गेट, यहाँ से गंगरेल डैम, शायद गंगरेल डैम जाता होगा। इधर जाना सख्त मना है, इधर जाना सख्त मना है दोस्तों, इधर जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हावड़ा ब्रिज। हाँ, बन रहा है वीडियो, आप जाइए देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम एक ब्रिज में हैं, तो यहाँ लग रहा है 14 नंबर गेट कुछ ज़्यादा ही खास है, क्योंकि हर जगह लिखाया है 14 नंबर गेट नहीं देखा तो क्या देखा। तो चलते हैं देखने 14 नंबर गेट। और यहाँ शायद बिजली उत्पादन भी होता है, क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा था लिखा हुआ है पीछे बिजली उत्पादन होता है यहाँ से। अब हम भी इस जगह में नए हैं तो जान रहे हैं, देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। और ये धमतरी कांकेर का है यार, धमतरी कांकरेल डैम है कि कंगरेल, धमतरी का कंगरेल डैम है दोस्तों। यहाँ एक रिजॉर्ट है और पार्क है और काफ़ी कुछ घूमने के लिए है जगह। अगर आप इस आसपास के हैं तो आ सकते हैं घूमने के लिए, या कहीं दूर के भी हैं तो यहाँ कभी आते हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर घुसें, क्योंकि यहाँ काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ अच्छा है। ये है दोस्तों 14 नंबर गेट का रास्ता। दोस्तों 14 नंबर गेट अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इतना दूर आने के बाद भी, मतलब कि काफी दूर तो नहीं, लेकिन फिर भी धूप के हिसाब से भी बहुत ज्यादा दूर लग रहा है हमको। तो जा रहे हैं 14 नंबर गेट, आगे का सीन आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, बांध है शायद 14 नंबर गेट बोले तो, मेरे को लगता है जो बांध का खोलते हैं गेट वही 14 नंबर होगा फिर। तो दोस्तों पानी का आवाज़ तो आ रहा है 14 नंबर गेट से, शायद वही है 14 नंबर गेट। और देख सकते हैं पीछे काफ़ी बड़ा एरिया में बांध के नीचे साइड का है, और जो ये काफ़ी बड़ा बांध है, मैं पहली बार इतना बड़ा बांध देख रहा हूँ, और आपको भी दिखाता हूँ तो वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हम लोग बांध के करीब आ चुके हैं। और यह 14 नंबर गेट कहाँ है भाई,
दोस्तों ये काफ़ी बड़ा बांध है, आपको हालांकि छोटा लग रहा होगा लेकिन मेरे को बहुत बड़ा बांध लग रहा है। और देख सकते हैं शायद यही 14 नंबर गेट है, मेरे को लग रहा है शायद। दोस्तों यहाँ से बिजली उत्पादन भी होता है और काफ़ी बड़ा बांध है। इसमें मात्र 3-4 गेट को खोला गया है और बाकी सब बंद है। तो दोस्तों आपको ऊपर से सीन को दिखाऊंगा मैं, तो वीडियो में बने रहें, आप देखते हैं ऊपर साइड जाने बनेगा तो बांध के उस साइड का सीन दिखाऊंगा। और ये काफ़ी बड़ा बांध है दोस्तों, और पानी को भी ज़्यादा खोला नहीं गया है, शायद पूरा भर जाता होगा ऊपर साइड तब खोला जाता होगा। देख सकते हैं इधर का सीन, और अब आए हैं तो फ़ोटो वोटो ले लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद निकलते हैं आगे का सीन देखने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, और क्या ही बोलूँ मैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया, मतलब फेफड़ा उदास, क्या बोलते हैं यार वाला डायलॉग को, दिल खुश फेफड़ा उदास हो गया दोस्तों। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का, मतलब कि फूल पैसा वसूल। और दिखते हैं पास ही जा रहे हैं, अभी पास जाके देखते हैं क्या नज़ारा दिखता है आगे से। और बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो यार, हालांकि वीडियो लेट लेट में आता है लेकिन आता है, जल्दी लाने का कोशिश करूँगा आगे से वीडियो, क्योंकि जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का चश्मा पहना हुआ हूँ मैं, वो ऐसे ही नहीं पहना हूँ दोस्तों, मेरे आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसी का ऑपरेशन के लिए मैं रायपुर आया हुआ था, तो इधर धमतरी घूमने आया हूँ, और अभी मेरे को 2-4 दिन लग जाएगा घर जाते हुए, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो नहीं आ पा रहा था। और अभी मैं जाने वाला था कैलाश गुफा लेकिन उसका भी कैंसिल कर दिया इसी के वजह से, नहीं तो फिर वहाँ भी मैं पैदल यात्रा पे जाने वाला था कैलाश गुफा, लेकिन अभी वहाँ भी नहीं जाऊँगा, तो काफ़ी वीडियो दोस्तों नहीं आ पाया जैसे कि मैं सोचा था वीडियो बनाने का इस बार। और देख सकते हैं दोस्तों पीछे का नज़ारा कितना अच्छा है, और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। चलिए अब पिक वगैरह ले लेते हैं, फिर उसके बाद में आपसे मैं बात करता हूँ। के चक्कर में हम लोग परेशान हो चुके हैं, देख रहे हैं पसीना पानी के तरह टपक रहा है, हालांकि पसीना पानी ही है और पानी जैसा ही रहता है, आप लोग जान रहे होंगे, आप लोग को धूप में पसीना आता है कि नहीं कमेंट में बताएं। और देख रहे हैं यहाँ काफ़ी धूप है दोस्तों आज, और पानी वगैरह भी नहीं आ रहा है आजकल, जान ही रहे हैं, तो बहुत समस्या है दोस्तों, बहुत समस्या है। और 14 नंबर गेट तो हम देख लिए अपन, और चलते हैं और कुछ देखने, मिलते हैं फिर अगले सीन पे। तो दोस्तों ये 14 नंबर गेट देखने के चक्कर में हालत ख़राब हो गया है, और ज़्यादा दूर नहीं है, बाकी यहाँ का धूप नहीं सहा रहा है अपने को। हाँ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नहीं होगा यार, तो यहाँ का धूप जो है ना आज का धूप ये बहुत। और अभी हम लोग एक पानी साफ दिख रहा है, चेहरा धोने का है, देखते हैं यहाँ चेहरा धोने लायक का है कि नहीं। और हम लोग इस शॉर्टकट रास्ता में अभी गार्डन के साइड जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और जंगल के हिसाब है, और देखिए ये पानी एकदम साफ दिख रहा है, तो हम लोग चेहरा धोने का सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, धोएंगे ही चेहरा दोस्तों, क्योंकि हालत ख़राब हो गया है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है दोस्तों यहाँ, मतलब अच्छा है बस, और उससे कुछ नहीं बोल सकता, अच्छा है। भैया सिर धोते हुए पसीना से एकदम लथपथ हो गए हैं, तो यहाँ मैं भी थोड़ा चेहरा धो लेता हूँ।
दोस्तों चेहरा धो लिए, थोड़ा सुकून मिला, अच्छा लगा और काफ़ी ठंड ठंड लग रहा है अब चेहरा। चलते हैं हम फिर से गार्डन के साइड, उस साइड का कुछ सीन दिखाता हूँ। दोस्तों अभी फाइनली हम लोग अंदर आ चुके गार्डन के अंदर और देख सकते हैं मेरे पीछे मस्त नज़ारा है। इसके ऊपर से पानी टप 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 गिर रहा है। तो आगे हम इसके नीचे, तो मज़ा आ रहा है बस। तो दोस्तों अभी बाहर साइड जा रहे हैं, गार्डन घूम रहे हैं और इधर से बाहर भी जाते हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा रुके हुए हैं, थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। और देख सकते हैं काफ़ी मेरे पीछे कितना मस्त मस्त नज़ारा है। और ये देखिए केला पत्ता जिसे कहे दिख रहा है भैया, केला पत्ता ही आपको एक अलग प्रकार का केला पत्ता दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये केला पत्ता तो नहीं है मुझे लग रहा है, बाकी दिखता वैसा ही है। देख सकते हैं आप लोग, आपको क्या लगता है क्या है? पता नहीं क्या कर रहा है दोस्तों। काफ़ी मस्त गार्डन है दोस्तों, मज़ा आ गया घूम के और शायद ख़त्म ही होने वाला है, देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बाहर साइड निकल रहे हैं और मेरे फ़ोन का बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, तो मैं बबलू के फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा हूं। और क्या बोलते हैं, देख सकते हैं पीछे का मेरा सीन पूरा। और निकलते हैं इधर से, देख सकते हैं आगे का सीन। तो दोस्तों हम लोग गार्डन से बाहर ही निकलने वाले हैं और यहाँ पर हैं जहाँ पर शुरुआत में घुसे थे। और देख सकते हैं इधर का क्या मस्त सीन है। एक मस्त मस्त गाना चल रहा है, वो बहुत अच्छा है यहाँ। तो दोस्तों अब यहाँ से जो अगला वीडियो बनेगा बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो अब नेक्स्ट वीडियो मतलब दूसरे टॉपिक पे वो वीडियो होगा, देख सकते हैं। बाकी में तो मैं तैर के मछली पकड़ा हूँ। तो निकलते हैं अब, काफ़ी घूम लिए। इधर से निकलते हैं किधर से? एग्जिट हो रहे हैं हम, देखते हैं और आगे क्या ही कुछ देखने को मिलता है।
बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ वोटिंग एरिया में हम लोग पहुँच चुके हैं और इधर चाय नाश्ता वगैरह का सुविधा भी है, इधर बैठने के लिए बनाया गया है काफ़ी बड़ा। और देखिए जहाँ तक उधर नज़र जाएगा आपका पानी ही पानी नज़र आएगा। देखिए अभी हम लोग नीचे साइड थे, ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग जहाँ तक ना आपका नज़र जाए सिर्फ पानी ही पानी होगा। बोटिंग भी यहाँ होता है और हम लोग उस टाइम बांध के नीचे साइड थे, देख सकते हैं बांध उधर है उसके नीचे साइड उस टाइम थे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ टिकट का रेट काफ़ी हाई फाई है और इधर वोटिंग होता है। बाकी देख ही रहे हैं जहाँ तक दिख रहा है पानी ही पानी, पहली बार देखा इतना बड़ा बांध। देख सकते हैं दोस्तों ऐसा लग रहा है कि गोवा के बीच में, गोवा की नहीं, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अभी हम लोग निकलने वाले हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।